भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक के कई राजाओं और शासकों ने अपने शासनकाल में कई सुंदर और अद्वितीय महलों का निर्माण करवाया है जो आज भी प्रसिद्ध है। इन महलों में से ऐसे कई पैलेस भी है जो विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैसूर, गुजरात आदि राज्यों में आज भी कई पैलेस मौजूद है जो हर साल लाखों सैलानियों की मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध पैलेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको भी जानना चाहिए, तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक जरूर देखिए। भारत में मौजूद उम्मेद भवन पैलेस। राजस्थान के जोधपुर शहर में मौजूद उम्मेद भवन पैलेस भारत के 7 पूरे देश में जाना जाता है। तकरीबन साल 1929 के आसपास इस पैलेस का निर्माण शुरू हुआ और वर्ष के 1943 के आसपास में यह पैलेस बनकर तैयार हुआ था। इस पैलेस का निर्माण लगभग 26 एकड़ में किया गया है। इस महल में लगभग 347 के आसपास रूम्स मौजूद है। यह पैलेस 3 भागों में है, पहला ताज होटल पैलेस, दूसरा शाही परिवार निवास स्थल और तीसरे भाग में एक संग्रहालय मौजूद है। भारत का जयविलास पैलेस। भारत के सबसे लोकप्रिय शाही महल में शामिल ये पैलेस मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मौजूद है। साल 1874 में इसका निर्माण कराया गया, जिसको ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया ने बनवाया था। इस पैलेस को इतावली, टस्कन और कोरिंथियन शैली का उदाहरण माना जाता है। इस पैलेस का निर्माण ब्रिटिश अधिकारी किंग एडवर्ड के आगमन के दौरान किया गया था। भारत में मौजूद मैसूर पैलेस। दक्षिणी भारत के राज्य कर्नाटक का गौरव बोला जाने वाला मैसूर पैलेस। इस पैलेस का निर्माण 1897 में शुरू किया गया और वर्ष के 1912 में बनकर तैयार हुआ। इस पैलेस के वास्तुकार हेनरी इरवन थे, जो एक ब्रिटिश नागरिक थे। इस पैलेस को धरती पर देखे जाने वाले 31 स्थानों में से एक के रूप में माना जाता है। कई लोग इसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जानते हैं। भारत में मौजूद सिटी पैलेस। साल 1729 से लेकर साल 1732 के बीच इस पैलेस का निर्माण राजा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। कहा जाता है कि इस महल को लगभग 22 राजाओं ने अपने अपने दौर में अलग अलग तरीके से निर्माण करवाया। इस पैलेस का निर्माण शाही वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य और अंग्रेज शिल्पकार सैमुअल व्हिटन द्वारा किया गया था। भारत में मौजूद फलकनुमा पैलेस। चार मीनार के बाद अगर हैदराबाद में कोई ऐतिहासिक चीज सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो उसका नाम है फलकनुमा पैलेस। लगभग 32 एकड़ में फैले इस पैलेस को उस समय के नवाब वकाल उल उमर द्वारा किया गया था। इस पैलेस को इटालियन पत्थर द्वारा निर्माण किया गया है। इस महल को बनाने में लगभग 9 साल लग गए थे। भारत का लालगढ़ पैलेस। राजस्थान के बीकानेर शहर में मौजूद लालगढ़ पैलेस होने के साथ यह एक होटल भी है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस पैलेस का निर्माण किया गया था। इंडो सरसैनिक में तैयार इस पैलेस को जूनागढ़ किले के तर्ज पर बनवाया गया था। इस पैलेस में हर साल लाखों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। इस पैलेस में लगभग 60 के आसपास कमरे हैं। भारत का उज्जैन पैलेस। नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में मौजूद उज्जैन पैलेस एक शाही महल है। 1899 से 1901 के बीच बने इस पैलेस का मौजूद नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इस पैलेस का निर्माण महाराजा राधा किशोर मानिक ने डिजाइनर मेसर्स मार्टिन और अलेक्जेंडर मार्टिन के नेतृत्व में करवाया था। इसके अंदर एक भव्य संग्रहालय भी मौजूद है। राजस्थान के सबसे सुंदर और सबसे फेमस महल में से एक लेक पैलेस भी शामिल है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा इस महल का निर्माण लगभग 1746 के आसपास किया गया था। पिछौला झील के बीचों बीच मौजूद इस पैलेस को लगभग 4 एकड़ में बनवाया गया है। प्राकृतिक वातावरण, सर्वोत्तम सुविधाओं और बेहतरीन वास्तुकला के लिए ये पैलेस सबसे रोमांटिक जगहों में भी शामिल है।
भारत का रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस एक होटल के रूप में है, दुनिया के बेहतरीन हेरिटेज होटल के रूप में शामिल। इस पैलेस का निर्माण साल 1835 के आसपास करवाया गया था। पहले यह रानी की पसंदीदा नौकरानी का निवास स्थल हुआ करता था, लेकिन बाद में इस पैलेस को महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने अपने निवास स्थान के रूप में भी शामिल कर लिया था। साल 1957 में इस पैलेस को एक होटल में तब्दील कर दिया गया। भारत का मुबारक मंडी पैलेस। डोगरा राजाओं के शाही निवास के रूप में प्रसिद्ध रहे इस पैलेस का निर्माण साल 1800 के आसपास किया गया था। तवी नदी के तट पर होने के कारण इस पैलेस की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस पैलेस के अंदर दरबार, पिंक पैलेस, रॉयल कोर्ट बिल्डिंग, गोलघर आदि मौजूद है। कहा जाता है कि इस महल में अब तक 36 बार आग लग चुकी है और ये पैलेस 2 बार भूकंप की भी शिकार में आ चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहे आप अपने अब्दुल जौनपुरी यूट्यूब चैनल के साथ।